हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी बाइट्स पे आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बाजरे की खिचड़ी। बाजरे की खिचड़ी सर्दियों में बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैंने थोड़ा लेट ये रेसिपी बनाई है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है आधा किलो बाजरा। इसे मैंने घर पे ही कूटा है, मेरे पास फूड प्रोसेसर है तो उसमें ये दाना टूटता नहीं है और इसका छिलका एकदम आसानी से उतर जाता है। बाजरे को पहले ही धोकर और थोड़ा पानी लगाकर रख देते हैं तो इसको बाद में धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ ली है 50 ग्राम उड़द छिलका दाल और 50 ग्राम चना दाल और साथ में मिक्स किए हैं 100 ग्राम चावल, 50 ग्राम ली है मूंग छिलका और थोड़ा सा नमक। तो यहाँ लेंगे एक कुकर में हम 3 लीटर पानी और हम इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार और जब ये पानी में थोड़ा उबाल आ जाएगा तब हम अपना बाजरा इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि अब इसे धोना नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट पानी में डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी दाल, चावल, चना दाल, जो भी हमने दालें इकट्ठी की थी सबको हम धोकर इसके अंदर डाल लेंगे। और एक उबाल आने के बाद हम गैस का फ्लेम सिम कर लेंगे, लेकिन याद रखें कि इसको लगातार चलाते रहें क्योंकि इसकी गांठें बन जाती हैं और ये तल्ले में भी बैठ जाती है। तो करीब 5-5 या 7-7 मिनट बाद आप इसे एक बार चलाते रहें कड़छी से, धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लग जाएगी। इसे देर तक पकाएं क्योंकि कम से कम 1.5 घंटा इसको पकने में लगेगा। तो आप सिम गैस पर इसको पकाते रहें और चलाते रहें। देखिए हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है और अब हम इसे सर्व करेंगे। बाजरे की खिचड़ी को आप रात के टाइम गरम गरम घी से खाइए, सुबह ठंडा होने के बाद उसको दही से खाइए या दूध से खाइए। और कढ़ी के साथ भी बाजरे की खिचड़ी बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन जो गरम गरम खिचड़ी बनती है उसका टेस्ट घी से ही आता है, तो आप घी के साथ इसे ज़रूर खाएं। और यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।